देखिए ये दोस्तों, सागवान के पत्ते से ये कितना खूबसूरत पेपर प्लेट बना है। कहने वाले सर यही कहते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि नया नया चीज है, कुछ लोग बोलते हैं अरे सब लोग तो लगा लिया, मतलब दोनों बात तो लोग ही कहेंगे, तो लोग के कहने में नहीं आना है, नहीं आना है सर। शायद 2 दिसंबर से थर्मोकोल और प्लास्टिक दोनों बैन होने वाले हैं, तो एक सवाल सर आपसे कि इसमें जो प्लास्टिक की लेमिनेशन होती है जो पेपर प्लेट्स में भी, तो क्या ये भी बैन हो जाएगा? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह, आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आए हैं, और इस बार जो हम जानकारी देने पहुंचे हैं, मध्य बिहार के आखिरी छोर पर एक बहुत खूबसूरत पहाड़ियों वाला शहर है रोहतास, और रोहतास ज़िला में हम आज आए हैं। और आज हम खुद से नहीं आए हैं, आज हम बुलाने पर आए हैं, और हमें बुलाया है जो पेपर प्लेट के उद्यमी हैं राजू जी। जी हाँ, इन्होंने वीडियो देखा यूट्यूब पर और इन्होंने भी जिद पकड़ ली कि नहीं मेरा भी वीडियो बनाइए, मेरे से भी जानकारी लीजिए। और हमारे साथ हैं मनीष मित्तल जी जो पटना से चल करके आए हैं इस बार, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मनीष मित्तल जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। और सर आप भी एक बार अपना जो परिचय है वो दर्शकों को हमारे दे दें। मैं दर्शकों को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ जो इस मेरा वीडियो को देखेंगे, और देखने के बाद उनको एक उचित समझ में आएगा कि ये धंधा जो है पेपर प्लेट का, इससे क्या छोटे मोटे धंधे से रोज़गार मिलता है, एक दूसरे को रोज़गार भी देंगे ताकि अपना एक जीवन यापन हो सके। जी यही समझने के लिए भी सर आए हैं राजू जी। तो राजू जी ये पेपर प्लेट का जो मशीन है, यहाँ पे 2 मशीनें देख रहा हूँ, कब से इस बिज़नेस में है और ये मशीनें कब ली? ये सर मशीनें मैं लगभग 2019 में लिया है सर। 19 में मित्तल जी से ही लिया था? जी सर। तो कौन कौन सी मशीन है हमारे दर्शकों को बता दी? ये सर एक मेरा क्रेंक मशीन है जी, जिसमें दोना प्लेट और थाली निकाल सकते हैं हम लोग जी। ये जो मेरा है ये हाइड्रोलिक मशीन है। अच्छा। इसमें एक बफर थाली निकलेगा जो हाथ में लेकर खाने के लिए, शादी विवाह में लोग आजकल बहुत काफ़ी फैशन हो चुका है, जिसके वजह से इसका डिमांड बहुत काफ़ी बढ़ चुका है ये। और इसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो ये बफर थाली है, इसके पहले जो हम लोग माने उपयोग करते थे वो क्या बोलते हैं थर्मोकोल, जो कि सर थर्मोकोल है कि सर वो थाली को अगर हम लोग खा के अगर कहीं फेंक देते थे तो वो थाली जलाने के बाद, अगर जलाते थे उसको हम लोग सूखने के बाद, जूठा सूख गया उसको जलाते थे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती थी, जिससे हम लोग को मैंने पर्यावरण को बहुत काफ़ी प्रभावित करता था वो। इसको क्या है सर, इसको अगर खा के फेंक दिए हम लोग, अगर बाद में सपोज अगर उस पर 10 बाल्टी पानी भी डाल दिए तो ये धीरे धीरे मिट्टी में गल जाती है, जिससे हम लोग इससे पर्यावरण को भी शुद्ध बनाएंगे और अपना भोजन भी खाने में और खूबसूरती भी देखने में अच्छा लगता है। खूबसूरती भी इसका बहुत काफ़ी है, इसमें हर तरह की कलर है। देखिए एक ये केला पत्ता है और एक ये फूल वाला है गुलाब कलर का, ये केला का पत्ता का डिज़ाइन जी सर जी, जो कि मैंने देखने में बहुत शाइनिंग है सर। जो कि ये अपना ये थर्मोकोल है उसमें आपको मैंने उसमें सबसे बड़ी कमजोरी क्या है सर, जैसे मान लीजिए आप थाली ले लिए, खाना गर्म गर्म खाना ले लेते हैं तो उसमें देखिएगा अगर खाना जैसे ही डालिएगा उसका धीरे धीरे कलर आएगा, जो आज के इतना फास्ट जनरेशन हो चुका है जिसके वजह से उस चीज़ को बारीकी कण को हम लोग समझ नहीं पाते हैं और देख नहीं पाते हैं। इसमें क्या है कि सर इसमें खाना डालिए कितना भी गर्म हो उसमें आपको कोई तरह की कलर डिसकलर कोई तरह के ये नहीं होने वाला। और यही कारण है कि मित्तल जी शायद 2 दिसंबर से थर्मोकोल और प्लास्टिक दोनों बैन होने वाले हैं, तो एक सवाल सर आपसे कि इसमें जो प्लास्टिक की लेमिनेशन होती है जो पेपर प्लेट्स में भी, तो क्या ये भी बैन हो जाएगा? क्या प्लास्टिक, क्या पेपर प्लेट के बिजनेस पे इसका असर पड़ेगा? नहीं सर, ये जो है ना पीपी है सर। अच्छा। पीपी से कोई, ये पीपी जो होता है ना गल जाता है सर पानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिना पीपी का जो प्लास्टर जो यूज करते हैं वो सर इस पर दिक्कत होगा। बहुत सारे लोग हैं मार्जिन के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो मार्जिन के लिए ना प्लास्टिक यूज करते हैं, और पीपी थोड़ा कॉस्टली होता है इसलिए लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, तो प्लास्टिक अब नहीं चलेगा, इस पर पीपी चलेगा। ये सब सारा पीपी है, सब इस पे प्लास्टर पीपी डाला हुआ है। तब बढ़िया भविष्य आने वाला है पेपर प्लेट उद्योग का बहुत ज्यादा सर। समझ लीजिए कि थर्मोकोल एकदम उसमें बैंड हो जाएगा और हर जगह फिर पेपर का ही डिमांड है सर जी। तो दोस्तों इसलिए इस गणित को समझना बड़ा जरूरी है कि पेपर प्लेट उद्योग में
आने वाले सालों में बहुत ज़बरदस्त उछाल आने वाला है, और उछाल तो अभी भी है। अब देख लीजिए कि खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में ये खूबसूरत सा यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस और एक खूबसूरत उद्यमी जो हमारे साथ खड़े हैं। तो सर, आज आपके इस उद्यम के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि बिजनेस पर आते हैं कि 3 साल हो गया आपको, 2 साल हो गया इस बिजनेस को लगाए हुए जी, तो क्या प्रॉफिट होता है, क्या मुनाफा होता है, हमारे दोस्तों को बताएं कि क्या खर्चा आ रहा है, कैसे मार्केट में बेचते हैं इसको, तो क्या प्रॉफिट होता है? देखिए सर, मैं फर्स्ट बार ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर काम करना है नए तरीके से तो उसमें एक हौसला और बुलंदी होना जरूरी है जी। अगर आप ये सोच लिए कि मैं नया काम करने जा रहा हूँ, किसी ने आपको दिमाग में नेगेटिव पॉइंट भर दिया कि ये नया नया चीज़ें आगे रन करेगा कि नहीं करेगा, पूंजी लगाओगे, फंस जाओगे, ये होगा ये होगा, वो दुनिया के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर आपको कुछ भविष्य देखना है तो कहने वाले सर यही कहते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि नया नया चीज है, कुछ लोग बोलते हैं अरे सब लोग तो लगा लिया। मतलब दोनों बात तो लोग ही कहेंगे, तो लोग के कहने में नहीं आना है। नहीं आना है सर, जैसे कहने का मतलब अभी मान लो सर, आपने देश की अगर आबादी की तुलना करते हैं तो इस आबादी की तुलना में अगर देखा जाए तो अगर ये इंसान सोच ले फलना तो कर रहा है काम, तो मैं वो काम करूंगा तो मैं उसमें फलअप कर जाऊंगा। रोज आबादी बढ़ रही है, रोज आबादी बढ़ रही है, तो इसलिए किसी को मैंने नेगेटिव पॉइंट पे कर्सर नहीं करना है। अपने आप को सेल्फिश, आप भी पढ़े लिखे होंगे या न भी है तो अपना इतना जरूर है, सोच बूझ का ज्ञान जरूर होगा। तो आप अगर नए तरीके से अगर धंधा करना चाहते हैं तो आज के दौर में पेपर प्लेट मशीन बहुत बढ़िया है, कम पूंजी में भी आपका एक खुशहाल परिवार हो सकता है, थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है जी। तो अभी सर ये जो मनीष जी के हाथ में ये देख रहा हूँ, तो ये एक शीट की कीमत कितने पड़ती है? एक शीट में दो निकलते हैं ना, एक शीट में दो निकलता है तो सर? एक ही के बात करें कि पर पीस के हिसाब से, तो पर पीस के हिसाब से क्या लागत आती है आपको? ठीक सर, मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको देखिए इसमें शीट आता है डबल भी और सिंगल भी। अगर मान लीजिए आप सिंगल लेते हैं तो 13x26 बोलते हैं, और डबल लेते हैं 13x26 और सॉरी 13x13 सिंगल हो गया, सिंगल हो गया। तो सर इसमें क्या है कि देखिए आप अभी इसका मार्केट का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है सर जिसका रेट घटे बढ़े ना, घटे बढ़ेगा नहीं, आज कुछ है तो कल कुछ होगा। हाँ, तो अभी का अगर मैं बात कर रहा हूँ सर, अभी जो हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं तो इसमें अभी आप अगर 13x26 का सीट लेते हैं तो 4 रुपया 70 पैसा के समथिंग आएगा, 60 पैसा 70 पैसा आएगा, जिसमें 2 पीस निकलेगा, जिसमें 2 पीस निकलेगा, तो आपका एक थाली का कॉस्ट पड़ गया मान लीजिए 2 रुपया 20 पैसा समथिंग मान लीजिए। इसको आपको मैन्युफैक्चर करते करते आपको फुल्ली पैकिंग सैकिंग बोड़ा सोड़ा सब लगाने के बाद बिजली कॉस्ट सब जोड़कर आपको 2 रुपया 40 पैसा पड़ जाता है, 20 पैसा एक्स्ट्रा। हाँ, 20 पैसा आपको प्लस कर देना है, मतलब आप खुद करते हैं तब 20 पैसा जी, सेल्फिश आपको करना है। इसमें आपने बिजली का बिल वगैरह जोड़ा जी, सब जोड़ दिया। अगर यही आप लेबर कॉस्ट भी डालते हैं तो मान लीजिए जहाँ 5 पैसा एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, और तो अगर सीधा सीधी उसको 2.5 रुपया जोड़ लीजिए। अगर मार्केट का इसके हिसाब में चलिएगा तो ये सर मार्केट में आपको कम से कम 3 रुपये में आसानी से बिक जाएगी, यानी कि आप यहाँ पे इसको बेच लेते हैं 3 रुपये में जी, बिल्कुल सर, यानी कि 60 पैसे एक पर कमा लेते हैं आराम से सर। तो मार्केट कैसे करते हैं सर, ये मार्केटिंग के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, आपका मार्केट करने का तरीका, मार्केटिंग करने का तरीका क्या है? देखिए सर, मैं फर्स्ट बार जब ये प्लांट बिठाया तो हमको भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अपना मार्केट में बहुत काफ़ी दबदबा बना चुका है थर्मोकोल, जो कि आज भी चल रहा है, इतना होने के बाद भी चल रहा है। सरकार भी इस पर मैंने बैंड लगाने पर मजबूर हो गई है, सब कोई को मार्केट में इसका हवा भी बन चुका है कि सरकार पे इस पर बैंड लगा रही है। इसके वजह से पेपर प्लेट का मैंने मार्केट में उद्योग का सिलसिला बहुत काफ़ी बढ़ रहा है अभी है, तो मार्केट में सर जाने के बाद मैंने थोड़ा सा आदमी दुकानदार लोग को यही कहना पड़ता था कि सर देखो ये मैं अपना एक प्लांट बैठाया हूँ, जो आप इसका प्रोडक्ट देखिए, देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं यार, ये सब यार अभी नया नया चीज़ है, कस्टमर लेगा या नहीं लेगा, हाँ थर्मोकोल सस्ता में थोड़ा पड़ जाता था, तो हम लेकिन ठीक है सर एक बार तो पहले देख के ले लो सर, एक बार देख लीजिए, अगर समझ में आता है तो आगे ऑर्डर कीजिएगा। इस टाइप सर थोड़ा सा कठिनाई का सामना करता पड़ा हमको, लेकिन करते 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 जब दुकानदार को समझ में आ गया, पढ़े लिखे हमारे समाज में सब लोग शिक्षित तो भी हो रहे हैं धीरे धीरे, और हो भी चुके हैं ठीक ना, पहले के अपेक्षा काफ़ी लोग शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करना चालू कर दिए लोग कि नहीं इसमें खाने से क्या है, इसको जलाने से क्या है, और थर्मोकोल को
जलाने खाने से क्या प्रभाव मिलता है। तो धीरे 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 कस्टमर अपने आप दुकानदार का ऑर्डर मिलना चालू हो गया, तो मेरा भी ऑर्डर मिलना चालू हो गया, जो कि आज के दौर में सर माल अटता नहीं है कहीं। तो अभी सर कितना बेच लेते हैं? देखिए लगन के हिसाब से अगर बात करते हैं तो लगन में अगर एक काउंटर आप पकड़ते हैं तो कम से कम वो 30,000 से 40,000 बफर आपको ऑर्डर करेगा, कम से कम 40 से 50 है वन टाइम में, एक समय में। तो अगर उस टाइप अगर 10 कस्टमर पकड़ लिए हैं तो पाँच कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया। 2.5 लाख आप सीट बना के थाली उसको दे दिए तो 60 पैसा से कैलकुलेशन करके बता दीजिए हमको। और इसीलिए शायद आपने पूरा गांजा हुआ है माल। सर आपने देख ही रहे हैं कि माल स्टॉक है कि नहीं है मेरे पास, ऐसा हाँ। और आपका मैं ये भी दिखाऊंगा स्टॉक मेरा कहाँ है जो निर्मित तो चीज़ मेरे है। ख्याल से कुछ प्रोडक्शन सर सीजन के हिसाब से पहले भी तैयार करके स्टॉक में रखना चाहिए। रखा हूँ सर, रखा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, निकाल दी। हाँ जैसे मान लिया सर अभी आप ऑर्डर किए कि जैसे मान लीजिए क्या है, थाली ऐसा चीज है, दोना ऐसा चीज है कि हर स्टेज में थोड़ा बहुत कम बेसी बिक्री होता है। जैसे मान लीजिए श्राद्ध वाला हो गया काम, किसी के घर में पूजा पाठ हो गया है, किसी को पार्टी ड्रिल करना है, तो किसी को यहाँ बर्थडे है, तो काउंटर पे अगला आप दिए रहेंगे तब तो वहाँ से वो काउंटर पे से लेके जाएगा जी, सही बात। तो उसके लिए आपको तो माल स्टॉक करके चलना है, भले लगन के इंतजार में है वो अलग चीज़ है, तो उसके लिए लगन लग के हिसाब से तो लगन का स्टॉक करके चलना है, लेकिन एनी टाइम आपको स्टॉक करके रखना है जी। मित्तल जी सर, ये बताएं कि सर यहाँ पे जो ये दोनों मशीनें आप दिए थे अभी इन मशीनों का हाल क्या है, कितने में आप ये मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं और थोड़ा सा इस मशीन की बता देंगे मालिक हम क्या बताएं। 2019 में लिए थे ना, अभी चल रहा है 2021, तो अभी ताज़ा बताइए। हमारा है सर रेड लो, जो कि लोहा का भी रेट बढ़ गया है, सब चीज़ का बढ़ गया है, फिर भी हमारा सर देखिए एक सिंगल हाइड्रोलिक सा चीज़ है, इसकी 70 रुपये कीमत है, ये 46,000 कीमत है सर, ये दो मशीन दिया गया था, डाई का जो भी है अलग से कीमत है। इसमें सर देख रहा था अभी कि आप दो प्लेट एक साथ काट रहे थे। जी आसानी से निकल तो रहे आप वो वाली मशीन में आप जो दे रहे हैं हाँ उस वही दो कटेगा, कोई अलग डाई वगैरह नहीं ना? नहीं सर वही डाई से वही चीज़ है सर, बिल्कुल उसलिए देखे किए होंगे वीडियो में देखे। और अभी देख रहा था सर कि वहाँ पे आप पत्ते से भी प्लेट बना रहे थे, जो कि वहाँ पे ऊपर रखा हुआ है, जरा ले आए, ये किस पत्ते से बना हुआ है? सर सागवान के पत्ता है सर, ये सागवान का पत्ता जी। तो ये सागवान का पत्ता कहाँ से लाते हैं? सर मेरा खुद का बगीचा है। अच्छा, जिसमें मैं 100 पेड़ लगा चुका हूँ। मार्केट में से नहीं मिलता है? नहीं मिलता है सर, मिलेगा तो थोड़ा सा परेशानी करना पड़ेगा। अच्छा। ये देखिए एकदम सागवान का पत्ता जो है ये एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक चीज हो गया, कितना सुंदर है, जरा खोलिएगा देखिए ये दोस्तों, सागवान के पत्ते से ये कितना खूबसूरत पेपर प्लेट बना है। इस मशीन से हर चीज़ तरह के बना, प्रेसिंग करके बना सकते हैं सर जी। हमारे जो कुछ व्यूवर्स हैं सर, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा अगर ये उधेड़बुन में पड़े होंगे कि मैं इस बिज़नेस को करूं या ना करूं, तो ये आप अपना जो एक्सपीरियंस बताएं कि आप कितना खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं सच सच, ताकि वो भी रियलिटी को जान सके। देखिए सर पहला चीज, अगर मानव जाति में जन्म लिए हैं तो ज़िंदगी में किसी को जालसाजी वाला काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक ना, चूँकि आपके ऊपर भी हो सकता है वो जलसाजी फिर, तो अगर आप जलसाजी नहीं कर रहे हैं तो आपका भविष्य भी नज़र आएगा और अगला का भी भविष्य आप संवार सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सीधा यही है कि मैं मशीन बैठाया 2019 में, आज 2021 चल रहा है, तो अभी तक इसमें हम लोग कोरोना काल को भी समस्या को झेलते हुए आया, जिसके वजह से लगन भी फ्लॉप कर गया है, हर चीज़ श्राद्ध वगैरह भी जो मैंने पत्तल का संबंधित जितना काम था उसमें थोड़ा सा परेशानी आया है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जान रहा है कि इसका परेशानी क्या था। तो दर्शकों को मैं यही कहूँगा, अगर उनको मैंने यूट्यूब के माध्यम से चाहे जैसे भी उन्होंने इस चीज़ को बारे में सुने हैं, जाने हैं, समझे हैं, अगर उनको अगर उद्योग बैठाने का उत्साह है तो मैं यही कहूँगा कि बेहिचक अपने मने मनोवृत्ति के हिसाब से, किसी को कहे सुने के हिसाब से मत चलिए। आपका पूंजी लगाना है तो आप अपने आप पर पहले विश्वास कर लीजिए कि हम इसमें सक्षम हो या ना हो, मैं कहूँगा और आप कहिएगा कि नहीं ठीक नहीं है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें सक्षम होने लायक हैं तो ये बहुत बेस्ट है, जिससे आप अपने परिवार को दो रोटी के साथ साथ अपना बच्चे को भविष्य भी संवार सकते हैं जी। अच्छा मनीष जी, आपसे एक सवाल पूछना है कि ये जो मशीनें हैं इनमें किस चीज़ की मेंटेनेंस पे ज़्यादा ध्यान देनी होती है,
इसकी लाइफ क्या है और इसकी सर्विस के बारे में थोड़ा बताएं। इसमें जनरली है ना हीटर खाली प्रॉब्लम होता है सर, और कोई इसमें कोई ऐसा चीज़ मेंटेनेंस नहीं है, बस बस। और बाकी सर दो साल से चला रहे हैं तो बताएंगे ऐसा चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रॉब्लम आया सर अभी तक? अभी तक हमको सर कहीं आपको नहीं आया? नहीं आया। लेकिन चूंकि आप तो मशीन विक्रेता हैं तो आपको पता है इसमें और कोई प्रॉब्लम सर नहीं है। तो वो प्रॉब्लम के लिए दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है? गाय में धार का समस्या होता है, वही बहुत दिन पर कभी कभी सर लगाते होंगे धार तो पूछिए सर। और बहुत ज्यादा लफड़ा अभी तक सर मैं नहीं लगाया हूँ, और दो साल में अभी तक नहीं लगाया सर। नहीं लगाया सर, आपको सामने दो थाली निकाला, दो थाली एक साथ यहाँ पे दो थाली काट रहे थे, तो बहुत अच्छा स्पीड में कट रहा था। स्पीड भी देखे, सब कुछ देखे, दो साल हो गया जिसमें हमको ना डाई के प्रॉब्लम, मशीन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आया, ना हीटर का, ना धार का, बाकी मन कहीं हो एनीवे कहीं। पटना से हम लोग साथ ही आए हैं, आपने इतना, चूंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और आप, और बता दूं सामने हैं कि बहुत परेशान किया है इन्होंने कि मेरी वीडियो बननी चाहिए। तो मनीष जी के साथ ये सर के बुलावा पर हम लोग आए हैं सर जी, कि भैया आज हम लोग भोजन खा के ही जाइएगा, इन्हीं के बुला पा के भाई आइए तो आइए सर जी, और कुछ नहीं। अच्छा भी लगता है कि अगर एक रियल एंटरप्रेन्योर के पास जा करके उसकी जो अनुभव निकालें और वो जो बताता है तो अगला का हौसला बढ़ता है, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग जो हैं अपनी गलतियों के कारण सर फेल करते हैं। जी जी, लेकिन हाँ, लेकिन वो फोड़ते हैं उस चीज़ को दूसरे के माथे पे कि नहीं मेरे लिए तो ये गलत दे दिया, वो कर दिया, उन्होंने फंसा दिया। लेकिन ऐसा है कि देख लीजिए आप, मशीन है, मशीन अपना काम करती है, सर्विस मेंटेनेंस के बारे में ये बता ही रहे हैं मनीष जी कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो कोई लफड़ा ही नहीं, चेयर पर बैठिए, उद्योग लगाइए, घर से कमाइए, और फर्स्ट क्लास बिजनेस है, आने वाले दिन में इसकी बहुत मांग है। इसमें और क्या कहूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और बताते सर, हमारे जितने हम लोग से जुड़े हुए लोग हैं ना, हमारे कस्टमर एक दूसरे को, कस्टमर को हमेशा हेल्प करते हैं। राजू सर भी काफ़ी लोगों को जो लोग फोन नंबर देते हैं, नया नया लोग होते हैं, हमेशा कॉन्टेक्ट करते हैं। लोकल में लोग जाते चले भी जाते हैं बेचारे, सा चीज़ है, पुराने हैं हमारे हैं तो कुछ अनुभव इनको हो गया मशीन के बारे में, तो ऐसा नहीं, जो हर कोई मेरे कस्टमर है एक परिवार की तरह, सा चीज़ है। हमारे जितने भी लोग जुड़ते हैं, नया कस्टमर आते हैं तो प्रॉब्लम होता है तो हम लोग बोलते हैं भाई समस्या जो भी है थोड़ा सा इनसे भी हेल्प लीजिए, लोग मांगते हैं नंबर, हम लोग दे देते हैं। तो ऐसे ऐसे हम लोग से जुड़े हुए सर, पूरा एनर्जी टाइप से, वो काफ़ी समय भी देते हैं लोगों को। ये चीज़ बिजनेस परस्पर सहयोग से ही चलता है। और दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रश्न हो और आपके कोई सवाल हो तो मनीष जी से आप पूछ सकते हैं, और मनीष जी से पता लेकर के यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, क्या मनीष सर? बिल्कुल आइए सर जी, हमारा ऑफिस सर जी 70 फीट में पटना में अपना ऑफिस हुआ सर जी, कभी भी आइए, वेलकम है सभी लोगों को। मशीन लेना ना लेना दूसरी बात है, पहले आकर देखना समझना जी, उसके बाद सोच समझ के ठोक ठेठा के पहले बिजनेस को जान परख लीजिए, उसके बाद ही बिजनेस शुरू कीजिए। यही कारण है कि सर के पास हम लोग इतनी दूर से आए हैं जी, कि सर अपना एक्सपीरियंस बताएं। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एकदम अंतिम छोर में हम लोग सर आए हुए हैं, दक्षिणी छोर में एकदम पूरा है। इसके बाद ये क्या, ये कौन सा लोकेशन है ये सर, कौन सा लोकेशन है ये? आपको सर डेयरी ऑन सोन अगर जान रहे होंगे तो डेयरी ऑन सोन से हम लोग 30 किलोमीटर दक्षिण साइड में है, जो कि 2 किलोमीटर इधर के पश्चिम साइड जाइए पहाड़ है, और 1 किलोमीटर के पूर्व साइड जाइए सोन है, और यहाँ से हम लोग को कम से कम 40 से 45 किलोमीटर आगे जाते हैं, तो वहाँ से आपको अभी एक नया पुल का निर्माण होने वाला है जिससे हम लोग को छत्तीसगढ़ और आगे इधर हो गया झारखंड में जाने के लिए आपको मैंने आसानी होगा, और बगल में अपना एक रोहितेश्वर धाम। सर काफी ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है, अब तो सर पर्यटक स्थल भी बनता जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, यहाँ से तुतला भवानी बहुत नजदीक है और लोग यहाँ आते जाते हैं। हाँ सर एकदम नजदीक है। तो चलिए दोस्तों, अब अलविदा कहते हैं आपको, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए जगह पर नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।